नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज मेरे साथ मौजूद हैं गुरबिंदर जौहल मैम, जिन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया है और बहुत खुशी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि वो 80+ हैं और उनकी सेहत देख के मुझे यकीन हो गया कि वाकई में आप लोग किसी भी उम्र में ठीक हो सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, बिना बीमारियों के भी आप अपने हर एक पल को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपकी सेहत का हाल जानने मैं खुद आऊँगी आपसे मिलने आपके घर, तो चंडीगढ़ विजिट पे हूँ, वहीं पे हम मैम के घर पे इस वक्त मौजूद हैं और जानने आए हैं कि हकीम साहब से वो कैसे जुड़ी, क्या कुछ उन्हें परेशानी थी और कितनी सेहतमंद अब वो हो गई हैं। तो बिना देरी किए मैम का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। जी मैम, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है? मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी 12 है, बड़ा प्रोफेशनल है गोल्फर छोटे वाला, और बड़े वाला आर्किटेक्ट है। ठीक है मैम, 80+ हैं आप, आपको यकीन मैं तो नहीं करूंगी। आपकी सेहत देख के, आपकी बातचीत जैसा मैंने देखी अभी इंटरव्यू से पहले, तो मेरे लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि 85 में कोई इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। इसमें बहुत सारा तो हकीम साहब का ही हाथ है, क्योंकि वो कहते कम खाओ, सैर करो। सो मैं बहुत कम खाती हूँ, रोज़ सुबह आधा घंटा धूप में सैर करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे को प्रॉब्लम्स थी ये स्पॉन्डिलाइटिस की भी, तो वो जो एक्सरसाइज ऐसे ऐसे वो बताते हैं वो मैं 5-10 मिनट करती हूँ। काली गूंद उन्होंने बताया, क्योंकि मेरे काफ़ी पेन थी, रात को इतनी पेन होती थी कि सोते सोते उठ जाती थी। तो फिर मैंने ऐसे एक दिन अपना प्रोग्राम देखा हकीम जी का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बिलीव करती हूँ ये जो देसी दवाइयाँ ना, इसमें ज़्यादा, तो मैं कभी भी ये कोई कहता ऑपरेशन करा लो कुछ, इन पे मैं बिलीव नहीं करती। तो ऑपरेशन आज तक तो ना मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने आई साइड, मैंने आंखों किसी चीज़ को भी मेरी आर्टिफिशियल नहीं है, दांत भी मेरे अपने हैं, आँखें भी मेरी अपनी हैं, कुछ नहीं मैंने करवाया। लेकिन मैं यही, इसका राज यही है कि मैं देसी चीज़ें ये हकीम जी की सुन सुन के, वो दालचीनी, सुबह दालचीनी वाली चाय पी लो जी, जी, जी। और फिर मेरे को पेन जब इन्होंने ये गूंद बताई तो फिर मंगवा के मैंने खानी शुरू की। अब पेन्स होते हैं लेकिन वो ऐसे होते हैं कि जो एज के रिलेटेड, उसमें मैं सोचती हूँ कि वो उसमें ज़्यादा नहीं तन हो सकती जी। आप कब से जुड़ी हुई है मैम हकीम साहब से? मेरे ख्याल पिछले 4 साल से। 4 साल से, तो पहले से प्रोग्राम देखती थी, प्रोग्राम ही पहले आपने प्रोग्राम के जरिए ये ऑब्जर्व किया कि ये उनकी सारी बातें मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा। वे वो जो लोगों को समझाते हैं जैसे करते हैं और बगैर किसी लालच के, ये नहीं तो आम ही ये है कि ये दवाई ले लो, ये दवाई हमारे से मंगवा लो, वो कोशिश है उनकी कि ज्यादा से ज्यादा घर से चीजें खरीदो, अगर नहीं कोई बना सकता तब हमें करो जी, और फिर और उनको रिक्वेस्ट करो, तो फिर वहाँ पे भी डॉक्टर सारे इतने, कोई प्रॉब्लम हो तो बड़ी अच्छी से सारे सॉल्व करते। ठीक है, हमारी कंपनी की तरफ से आपको अच्छे से सारी दवाइयाँ पहुँच जाती हैं? बहुत अच्छे से। अब तो मेरी थोड़ी, मैं सीनियर भी हूँ, थोड़ा पुरानी भी हूँ, तो मेरे को आउट ऑफ उससे टर्न से भी चीज़ें भेज देते हैं। चलिए मैम, आप जिस तरीके से हमने भी देखा कि आप इस फार्म को अकेले ही संभाल रही हैं, और आप अपने पहले के बारे में हमें बताइए, जैसे सर जब थे तो हमने ये भी आपसे जाना था कि आप गोल्फ खेलती हैं, तो ये गोल्फ का शौक आपको कैसे हुआ? ये सिर्फ मेरी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में भी मैं खेलती थी वॉलीबॉल ये वो, तो शुरू से ही ना मेरे को आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, फिर जौहल साहब हॉर्टिकल्चर में थे, ये चंडीगढ़ की जितनी ग्रीनरी है, रोज गार्डन, लेयर वैली, बोगनविलिया गार्डन, जितनी भी है, एम एस रंधावा से इन्होंने काम किया। ठीक है, तो फिर इनको भी शौक था, हमारे जो चीफ इंजीनियर थे शाह कुलबीर सिंह, ये जो अब गोल्फ कोर्स है, पहले ये पब्लिक पार्क था। ठीक है, तो जब ये गोल्फ कोर्स बन गया तो ये गवर्नमेंट ही मेंटेन करती थी, तो जो शाह कुलबीर सिंह थे उन्होंने सोचा अगर जौहल को शौक बन जाएगा ना तो ये अच्छे से इसको मेंटेन कर पाएगा। बिल्कुल, तो उन्होंने खुद से एक सेट लेके आधा, तो जौहल तू शुरू कर गोल्फ,
पहले हम 16 सेक्टर में रहते थे, फिर हमने 7 सेक्टर जो कि बिल्कुल ही गोल्फ कोर्स राजभवन पंजाब राजभवन के पास है, हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया। पड़ोस में हमारे साहब मिल्खा सिंह भी थे, वो हमारी सीनियर थे, मिसेस मिल्खा सिंह मेरी 2 साल सीनियर, जस्ट लाइक वी आर लिविंग लाइक सिस्टर्स। तो वो भी हॉस्टल में थी, मैं भी 4 साल हॉस्टल में रही, फिर मैंने ये जॉल से हमने गोल्फ शुरू कर दी। वो शाम को ऑफिस सर कुलबीर सिंह का वो आ जाता था फोन, जॉल उठ जा, मैं जाने लगा हूँ गोल्फ के लिए, तू भी चल। अच्छा, ऑफिस से फिर सीधे गोल्फ कोर्स पहुँच। आप दोनों साथ साथ जाते? नहीं मैं नहीं, मैं तो अपने बच्चों, मेरे तब कॉलेज में थे, दो स्कूल में थे, एक कॉलेज में था जो आर्किटेक्ट है, तो उसके बाद मेरे बच्चों ने भी जो बेटे थे, लेकिन बेटी का इंटरेस्ट नहीं था, उसका पढ़ने में ज्यादा था। ठीक है, तो फिर वो अकेली बेटी को मैं घर पे छोड़ती नहीं थी, उसको कहती थी चल चल, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर जब वो यूनिवर्सिटी में गई कॉलेज, तो फिर मैंने, वो कॉलेज आती थी, पास ही मेरा वो जो गोल्फ कोर्स है हार्डली 7-10 मिनट का रास्ता है, कोई गेस्ट भी आता था मैं गोल्फ जाती थी, नौकर आ जाता था बीबी जी वो आया, मैं वहीं छोड़ के वहाँ पहुँच। तो अभी भी आप गोल्फ खेलती? हाँ मैं गोल्फ खेलती हूँ अभी भी, हफ्ते में 3 बार मैं गोल्फ खेलती हूँ। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता है आपका सुबह से लेकर रात? सुबह मैं तो 5 बजे उठती हूँ। ठीक है, 5 बजे के बाद अपना इधर उधर घूम के चाय पी, चाय में उठते सबसे पहले किचन में ही जाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर अपना जब जाके बाथरूम वगैरह, फिर ये सैर करती हूँ आधा घंटा ब्रिस्क वॉक, उसके बाद आके फिर मैं अब चाय पी के फिर मैं योगा करती हूँ। अच्छा, तो हफ्ते में 3 दिन इसके बाद आप गोल्फ जाती? नहीं, रास्ते में 8:30 बजे 9 बजे आजकल, तो फिर 3 तो गोल्फ खेलने में अभी भी वो एक्टिवनेस रहती? हाँ, मैं 9 पहले 18 होल खेलते थे, उससे 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता, लेकिन अब मैं चलती तो पैदल ही हूँ, लेकिन खेलती हूँ 9 होल 14 होल, 18 होल नहीं मैं खेलती, क्योंकि आप बॉडी भी ऊपर वाली थक जाती, मेंटली भी वो कंसंट्रेशन नहीं रहती, सो इसलिए फिर मैं 18 नहीं खेलती। जी मैम, जितनी आप अभी सेहतमंद हैं, टचवुड आप ऐसे ही सेहतमंद रहे, आपको नज़र ना लगे, मेरी ही ना लगे आपको नज़र, लेकिन ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, जो आपको लेडीज़ देख रही हैं, चाहे वो कम उम्र की हो या फिर आपकी उम्र की ही क्यों ना हो, आप खुद भी ये देखती हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी बीमार पड़ती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कैसे ठीक होंगे, दवाइयाँ भी खाती रहती हैं, लेकिन आपके ज़रिए एक मैसेज उन तक पहुँचेगा और आज आप उनके लिए एक मिसाल बनने वाली हैं कि वो खुद का ख्याल खुद रख सकती हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देखो देंगे? एक तो लेडीज को खाने की बड़ी आदत होती है, वो तो अब खाती रहती हैं और फिर काम नहीं करती जी, जो सर्वेंट को बोलेंगे आना पानी पकड़ाना, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ, मेरे घर में सर्वेंट भी है सारे, मैं प्रेफर करती हूँ कि अपना काम खुद करूँ, कभी मैं थोड़ा भी होती बीच मैं लाती, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही ले आऊंगी, सो मैं तो प्रेफर करती हूँ अपना काम अपना जी, आई एम वेरी बोल्ड, नॉन सेंस किसी का लेती नहीं, घर में कोई सर्वेंट है मिसबिहेव करते चलो मैं खुद कर लूंगी, बिल्कुल मैं अकेली रहती हूँ, बाहर भी गेट पे कोई मिसबिहेव करे आई एम वेरी स्ट्रांग, डर मेरे को लगता नहीं किसी से जी। मैंने गन रखी हुई है हाँ, क्योंकि मैंने इसकी ली हुई है ट्रेनिंग गन चलाने की जी, तो मेरे पास लाइसेंस है, डरती में है नहीं, मेरे चोर भी आ गए थे एक दिन। अच्छा, बारी उन्होंने तोड़ी, अंदर आए तो बच्चे भी घबरा गए, माँ किसी को सला लिया करो किसी को, मैंने कहा जो घर में मैं कुछ नहीं रखती, मेरे घर में पुराना फर्नीचर है जी, 500,000 से ज्यादा मैं पैसे नहीं रखती, जो आएगा वो जो आया था वो रोके गया होगा, क्योंकि मेरे घर से तो उसको मिला नहीं, पुलिस ने उल्टा पकड़ लिया उसको, सुबह से मैं अच्छी हूँ, जिंदगी मेरे बच्चे अपनी अपनी जगह पे है, ना मैं किसी से लेती हूँ, मेरे हस्बैंड ही वॉज ए थोरो जेंटलमैन, वो सेंटली थे, किसी से वो सारी उम्र उन्होंने ऐसे प्यार से रखा ना, और जितनी भी ऐश है अब कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि मैंने तो जॉब की नहीं, तो बहुत इज्जत करते थे, बिल्कुल वो आदमी इतना था, ये ग्रीनरी जो हम देख रहे हैं यही हाँ, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत कम होते हैं, बिल्कुल सबके लिए उनका बहुत, सर्वेंट्स भी है, कोई मेहमान भी आता था उनको बड़े प्यार से कर जी। तो यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितने बेहतर हैं? बहुत अच्छे, मैंने तो कहा ये दवाइयाँ जड़ी ये तो
एक हमें कुदरत की इतनी बड़ी देन है ना, और जैसे हमारे ये हकीम जी बताते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता, हम बड़ों से सुनते थे इलायची वाली दाय पी लो, ये करो वो करो, पर जिस तरीके से जैसे ये करते हैं ना, ऐसे और लोग करना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरियां बीमारियां ना बिल्कुल सारी चले जाए। बिल्कुल, तो ये यकीन है मैम आपको कि हर एक व्यक्ति निरोगी रह सकता बिल्कुल रह सकता, एक तो खाने पे, एक तो अपनी जबान पे लेडीज, और एक थोड़ी एक्सरसाइज करें, घूमे करें, ये किटियां विटियां इधर उधर जो है वो छोड़ दें, ये इतने इतने पेट बढ़ा के नेचर ने तो हमें जितना भेजा है, ये जो बाकी एक्स्ट्रा है वो तो हम खुद पैदा करते हैं। सही बात मैम। तो मैम देखिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहती हूँ कि ये इंटरव्यू रुके ना, लेकिन आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा मेरा हकीम जी से, मेरे बहुत सारी उनको रिस्पेक्ट देना जी। और आप बड़ा अच्छा काम कर रही है, जैसे आप कॉन्टेक्ट करती हैं प्रोग्राम जी। इतनी पेशेंस है आप में, वो आधा टाइम तो मैं सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ सुबह नमस्ते जी, और इसमें टाइम ना ज़ाया किया करें, नमस्ते आपकी शुरू में पहुँच, आप काम की बात शुरू किया करें जी। ये बड़ी मुश्किल से लोगों को टाइम मिलता है, बिल्कुल कॉल भी बहुत कॉल मुश्किल से मिलती है, तो आधा टाइम तो नमस्ते हकीम जी से और आपसे करने में निकल जाती है, फिर नहीं सुनती तो फिर दोबारा करती हैं, उतनी टाइम में कितने लोगों का जड़ा प्रोग्राम हुआ, टाइम हम जाया करते हैं। चलिए इस बात पे हम गौर करेंगे और दर्शक भी आपकी बात सुन लेंगे, और आप बड़े मीठे आवाज में प्यार से सबसे आप काम करते हैं, मैं तो बहुत आई एम सो इम्प्रेस्ड हकीम जी से भी और आपसे, और मेरे लिए इट्स ए प्लेयर के आप लोग मेरे घर में आए हो और मेरे को मौका दिया कि मैं बता सकूं कि मैं अपने आप को कैसे। बिल्कुल मैं मैम, हमारी पूरी टीम आपसे मिलके बहुत खुश है, हम खुद बहुत आपसे इम्प्रेस हो गए हैं कि कैसे पेशेंट से मिलने का हमें मौका मिला है जो 80 प्लस हैं, और 85 मैम एक ऐसी उम्र होती है कि ऐसे पेशेंट जब हम निरोगी देखते हैं, इतने फिट और फाइन देखते हैं, तो यकीन मानिए हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो एक उद्देश्य है, मकसद है, वो सफल हो जाता है। बिल्कुल जी, आपकी कभी बात हकीम साहब से नहीं हो पाई? नहीं हो पाई, मैं कभी भी जब उनको टाइम होगा तो मैं जरूर करूँगी, उनके यही बताना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने तो अपने आप को, मैं बहुत पेन में थी, मेरे को हर्पीज हो गई थी और रात को उठ जाती थी मैं, इतनी ज़्यादा पेन्स ना, जैसे ऐसे खरोच रहा है कोई, पर ये जो उनकी मेडिसिन है इसने तो मिरेकल किया। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं मैम, आप ऐसी सेहतमंद रहें और ऐसे ही इस फार्म को संभालती रहें मैम, क्योंकि इस फार्म की खिदमत में आपने बहुत लोग लगा रखे हैं जिनकी रोजी रोटी है आप। बहुत बहुत मेरी सेवा करते, बहुत अच्छे लोग हैं, जितने भी मेरे इधर हैं बहुत प्यार देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली की तरह, पिछले 30-30, 25-25 साल से मेरे साथ हैं वो, इसीलिए जिंदगी निकल रही है, ऐसे मैं अकेली हूँ, अकेली रह रही हूँ। तो आप हकीम साहब की दवाइयाँ और लोगों तक भी बताती हैं मैम, अगर कोई परेशान होता है? नहीं, जैसे नहीं, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलती नहीं, यहाँ से आप रहना पसंद करती नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि यहाँ रहती हूँ, किसको बताऊंगी, वो अगर पूछते तब मैं बताती हूँ कि काला वो गूंद खा लो इससे दर्द ठीक होते, मैं बहुत सारे लोग देखते हैं, खुद ही वो कहते हैं कि ये वो जो हम प्रोग्राम देखते हैं बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग नहीं अपना उनसे कांटेक्ट करते या बता सकते, और आप हर एक तक, वो थोड़ी सी लेडीज हैं वो करती रहती हैं तो बताते, अदरवाइज बहुत सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया सर्विस आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने यहाँ हमें आमंत्रित करने के लिए। तो दर्शकों आप सभी ने सुना भी मैम को, देखिए वो 80 प्लस हैं, और यकीन मानिए आप लोग भी ऐसे ही ठीक हो सकते हैं, ये मत सोचिए कि हमारी उम्र तो अब बहुत ज़्यादा हो गई है और बीमारियों के सहारे ही पूरा जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब हम हिम्मत नहीं हारते हैं, कोशिश करते हैं, एक सही ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, और वो सही ट्रीटमेंट कैसे फॉलो कर सकते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट अपनाइए, घरेलू नुस्खे आप अपनाइए, आपके घर में ही तो मौजूद हैं वो नुस्खे जो हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं, लेकिन उसके लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़ना होगा। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमसे कॉन्टैक्ट। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।